पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा आज तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे। तीन देशांच्या दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधानांनी आज सिडनी इथं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांची भेट घेत त्यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली। या बैठकीदरम्यान दोन्ही देशात वैश्विक संबंध दृढ करण्याबाबत तसंच फुटीरतावादी कारवायांच्या संदर्भात चर्चा झाली असल्याचं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। त्यानंतर पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियाचे गव्हर्नर जनरल डेव्हिड जॉन हर्ले यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला। दरम्यान काल फॉर्टेक्स्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अँड्र्यू फॉरेस्ट यांनी त्यांची भेट घेतली। याशिवाय ऑस्ट्रेलियन सुपरकेचे सीईओ पॉल श्रोडर यांनी देखील पंतप्रधानांची भेट घेतली। हरित हायड्रोजनच्या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांसोबत काम करण्याच्या फॉर्टेक्स्क्यू समूहाच्या योजनेचं पंतप्रधानांनी स्वागत केलं। ऑस्ट्रेलियामध्ये विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांनी देखील पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि आपापल्या विचारांची देवाणघेवाण केली।